नमस्कार, इंडिया ब्यूरो में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नीलम प्रजापति। आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको लेकर चलते हैं मुंबई। तो आइए देखते हैं क्या कुछ खास चल रहा है मुंबई में। नमस्कार, मैं हूं अरुण कमल और आप देख रहे हैं इंडिया ब्यूरो, इंडिया का फर्स्ट ऑनलाइन यूट्यूब न्यूज चैनल। दोस्तों, जैसे कि आज गणतंत्र दिवस है और आज हम आज़ादी के 70 साल कंप्लीट कर रहे हैं। इस देश में गणतंत्र दिवस लागू हुए आज 70 साल हुए हैं। इस मौके पर आज हमने भारत के या मुंबई के बहुत बड़ी जगह जाकर कवरेज न करने के बजाय एक सोसाइटी में कवरेज किया। इस सोसाइटी का नाम है वैभव पैलेस। वैभव पैलेस में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्मों और सभी जातियों के लोग रहते हैं। अगर ये सच है कि लोग कहते हैं कि एक देश की शुरुआत एक फैमिली, एक घर और एक सोसाइटी से होती है, अगर एक किसी देश के बारे में आपको जानना है तो आप उसकी सोसाइटी में जाकर देखिए कि उसकी सोसाइटी में लोग किस तरह से रहते हैं। हमारी सोसाइटी ही ये डिसाइड करती है कि ये देश कैसा है। आज हमने वैभव पैलेस में गणतंत्र दिवस मनाया और यहाँ पर लोगों के साथ बातचीत की। आइए चलते हैं, हम आपको लेके चलते हैं वैभव पैलेस सोसाइटी में और बताते हैं कि क्या कहना है यहाँ के लोगों का। मलेरिया के कारण छह की तो मौत हो गई। नफरत की लाठी तोड़ो, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम देश के कमी हो देश प्रेमियों। भारत में 70वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, तो इसके बारे में क्या संदेश है आपका? देखिए, बहुत अच्छी बात है, आज रिपब्लिक डे है। ये जो झंडा है हमारा, इसके लिए हमारे देश के लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। और क्योंकि हमारा देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोगों से मिल के बना है और ये देश को अखंड भारत कहते हैं, इसीलिए कहा जाता है पंजाब, सिंधी, गुजरात, मराठा, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गमना, उचल तल तल तिरंगा। तो देश की आज़ादी इस वक्त मायने तो बहुत रखती है, लेकिन उससे ज़्यादा जो चीज़ें मायने रखती हैं वो ये रखती हैं कि हमारे देश में खुशहाली रहे, हमारे देश के अंदर जो हमारे युवा हैं, जो हमारे बच्चे हैं, वो एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ें, खेल की तरफ आगे बढ़ें, टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ें, क्योंकि
जब बच्चे आगे बढ़ेंगे तो ही देश आगे बढ़ेगा। तो हमको इस चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए, और ख़ास करके जो हमारे आप लोग हैं, मीडिया वाले लोग, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, इस मैसेज को पहुँचाइए कि जो झंडे होते हैं हमारे देश के लोग लेते हैं, फिर इस तरह से कचरों में मिलते हैं कागज़, तो हमारे झंडे का एहतराम रहे। अगर प्रोग्राम ख़त्म हो जाए तो उसके बाद झंडे को हिफाजत से कहीं पर जहां पर भी चाहें आप उसको रख दें, झंडों को पैर के नीचे मत आने दें, क्योंकि बहुत कुर्बानियों के बाद ये तिरंगा बना है जिसके अंदर सबके कलर हैं, वो चाहे हिंदू के हों, मुस्लिम के हों, सिख के हों, ईसाई के हों, सब लोग उसमें मौजूद हैं। यानी कि अगर हम उस पर पैर रखते हैं तो यानी कि सारी कौमों पर पैर रख रहे हैं। तो हमें हर एहतराम को ध्यान में रखते हुए और अपने देश की आज़ादी, देश के इस तिरंगे, तमाम चीज़ें हैं। देखिए, कहने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन समझने के लिए सिर्फ ये है कि एक रिपब्लिक डे को अगर सही से जानना है और उसको सही से समझना है तो सिर्फ आप अपने बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन दें, और मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ जो भी आपको अपनी धार्मिक तालीम देना है वो अपने हिसाब से दें, क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन के थ्रू ही हमारा देश तरक्की कर सकता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आज जहां लोग चांद सितारों पे चले गए हैं, लोग मंगल ग्रह पे रहने की बात कर रहे हैं, वहां हमारे देश में जो है तरह तरह की बातें होती हैं, अगर हम आपस में ही लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा? कोई बाहर वाला आकर हमें घर से निकालेगा? दीवानों होश करो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो। बहुत अच्छा रफ़ी साहब ने गाना गाया। अच्छा, इस सोसाइटी में जो मनाया जाता है गणतंत्र दिवस, इस तो इस सोसाइटी के बारे में कुछ बताइए। देखिए, हमारी सोसाइटी क्या है, देखिए सोसाइटी एक घर होता है, एक परिवार होता है, और परिवार में जब होते हैं लोग तो प्यार बहुत दिल से होता है। जहाँ दिल से रिश्ते होते हैं वहाँ पर इंसान बेबाक कुछ ना कुछ कह देता है। तो यहाँ दिमाग के रिश्ते नहीं हैं, दिल के रिश्ते हैं, सोसाइटी यानी कि दिल का रिश्ता। हमारी सोसाइटी बहुत अच्छी है, और आज हमारी सोसाइटी में जो सोसाइटी के लोग हैं, इससे पहले भी जो लोग थे उन लोगों ने भी बहुत अच्छा काम करा और उन्होंने सोसाइटी को यहाँ तक ला के खड़ा किया। आज हमारे इरफान शेख सेक्रेटरी के जो हैं वो इस वक्त सेक्रेटरी हैं, सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं, और अमित चोरे साहब जो है वो हमारे चेयरमैन हैं, इरफान साहब हमारे सेक्रेटरी हैं। इन्होंने भी इस सोसाइटी के लिए हमेशा काम किया है, जो लोग पहले थे उन्होंने भी काम किया, लेकिन आज सोसाइटी को ये संभाल रहे हैं और ईमानदारी से सोसाइटी में हर काम चल रहा है। हमारी सोसाइटी, हमने जैसा कहा कि परिवार होता है ये, और परिवार में रिश्ते दिल से होते हैं, दिमाग से नहीं होते हैं। और जहाँ दिल से रिश्ते होते हैं तो इंसान नोकझोंक दुनिया की बातें करता है, घर में मम्मी से भी बातें होती हैं, बहन से भी होती हैं, भाई से होते हैं। सोसाइटी लाइक है दिल का रिश्ता, एक पारिवारिक रिश्ता, और ईश्वर ने चाहा तो ये सोसाइटी और तरक्की करेगी। इरफान भाई दिन रात लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं कि कैसे भी इस सोसाइटी में और क्या कर सकें। कुछ कितना अच्छा करने के बाद भी इंसान चाहता है कि हम और अच्छा करें। इरफान जी, आप क्या बोलना चाहेंगे इस गणतंत्र दिवस के मौके पे? उन्होंने बताया, सिकंदर भाई ने बोला है कि सोसाइटी जो बनती है वो लोगों से बनती है, जैसे परिवार परिवार के कुछ लोगों से बनता है, वैसी सोसाइटी जो होती है वो जो इतने लोग यहाँ रहते हैं उनसे बनती है। अगर वो सब मिल के सही सपोर्ट करे तो चीज़ें अच्छी होती है। तो यहाँ पर लोग आज यहाँ पर जो माहौल था वो इसी का एक उदाहरण है कि लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और जो भी यहाँ पर फंक्शन हम लोग करते हैं हमेशा सारे लोग उसमें बहुत सपोर्ट करते हैं। स्पेशली सिकंदर भाई ने हमेशा उसको सपोर्ट किया है और आगे बढ़ाने की कोशिश की है। तो बस चाहिए पूरी सोसाइटी की, तो हमारे अगर सोसाइटी के लोगों तक ये आवाज़ जाए तो वो सारे लोग जो हैं वो इरफान भाई को सपोर्ट करें और उनकी बातों को समझें, क्योंकि वो यही चाहते हैं कि सोसाइटी तरक्की करे। शुरू से लेके आज तक हम लोग इस सोसाइटी में हैं, इन्होंने सोसाइटी के लिए हमेशा किया है, वो चाहे नोकझोंक किसी के साथ भी हुई हो, जो लोग थे उन्होंने भी किया, उनकी भी हम सराहना कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग कुछ सोसाइटी को यहाँ तक लाए।
लेकिन अब इस सोसाइटी में सारे लोग सपोर्ट करें इरफान का और भरोसा करें, यकीन करें, हर चीज़ में आएँ, उठें, बैठें, प्रोग्राम में शरीक हों। कभी कभी इंसान वक्त बेवक्त लेट हो जाता है, मैं भी आज लेट हो गया किसी कारणवश से, तो वो हो जाता है, उसमें कोई शिकायत नहीं है किसी से, लेकिन सपोर्ट करें। सारी कमेटी मेंबरों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, बहुत अच्छा फैंटास्टिक प्रोग्राम करा और सारे कमेटी मेंबर मेरे बहुत अच्छे हैं और सब लोग अच्छे से काम कर रहे हैं इस सोसाइटी के लिए। बस ये होता है, जो एक पिलर होता है उस पिलर का साथ देना चाहिए। मैंने जो चीज़ रिपीट करी उसको फिर से कह दे रहा हूँ कि सब लोगों को चाहिए कि वो इरफान शेख जी का साथ दें और इस सोसाइटी को बनाने में और कामयाब उनका दिल से साथ दें, जो हो सके वो करें। थैंक यू वेरी मच। आज का जो रिपब्लिक डे है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ की जो सोसाइटी का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा और इसी तरह देश में सभी छोटे छोटे प्रोग्राम्स हो रहे हैं और कर रहे हैं लोग, और लोगों को इसी तरह मोहब्बत प्यार जता के नफरत को कम करना चाहिए और हमारी राष्ट्रीय एकता को दिखाना चाहिए कि कम से कम जो कश्मीर में है या कहीं भी जो आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं इनसे संदेश जाए कि नहीं, हमें आपस में भाईचारे से मिल के रहना चाहिए। मैं यही कहना चाहती हूँ। बहनों ने इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम किए और बहुत हौसला बढ़ाया, तो अपनी बहनों से कहना चाहती हूँ कि उठो ऐ बहादुर कुमारियों, की दीवार है कठिनाइयों की गिरानी, दिखा दो चमक कर अखिल विश्व में कि कोई सितारा है हिंदुस्तानी, कोई सितारा है हिंदुस्तानी। मेरी सभी बहनों से कहना चाहती हूँ कि आप आगे आए, देश को आगे ले जाएं, महिला शक्ति को आगे बढ़ाएं। और इस सोसाइटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कब से मना रहे हैं यहाँ पर, आप कब से हैं यहाँ? मैं इस सोसाइटी में लगभग 4-5 सालों से रह रही हूँ और हमारी सोसाइटी में बहुत एकता, राष्ट्रीय एकता की भावना है। हम लोग 5 सालों से आने लगे और मेरे हस्बैंड जैसे कि एहसान कुरैशी जी को आप जानते होंगे, वर्ल्ड फेमस हैं वो, और हम लोग हर साल ये प्रोग्राम अरेंज करते हैं और बहुत खुशी की बात है कि आर्टिस्ट कोटा यानी सारे आर्टिस्ट को लाना, उनको सीक्वेंस में परफॉर्म करवाना, ये सारी जिम्मेदारी हम दोनों मियाँ बीबी उठाते हैं और बहुत खुशी होती है कि देश के लिए हम कुछ तो कर रहे हैं, किसी भी तरह से हम योगदान कर रहे हैं पर कर रहे हैं जी। सर ये जो गणतंत्र दिवस मना रहे हैं हम लोग, जो 70वां गणतंत्र दिवस इस बार मना रहे हैं 2019 में, तो आपकी सोसाइटी के बारे में कुछ बताइए और जो आप लोगों ने आज कार्यक्रम किया है उसके बारे में कुछ बताइए। हमारी सोसाइटी में जो एकता है और ये जो गणतंत्र दिवस है उसमें पूरे देश को अपन बधाई देते हैं कि ऐसे सब मिलजुल के गणतंत्र दिवस मनाए और ज़्यादातर लोग इसमें शामिल हुए और हमारे जो सोसाइटी में जो एकता है, जो हम लोग मिल के ये सब प्रोग्राम करते हैं कि भाई हम लोग में बकरीद होती है, गणेश चतुर्थी होती है और 15 अगस्त और 26 जनवरी ये सब दिन हम लोग साथ में मिल के मनाते हैं और हम लोग में ये जो देश के लिए जो हम लोग के हमदर्द है सब, जो देश के लिए हम लोग ये चाहते हैं कि सुख समृद्धि से ये गणतंत्र दिवस पूरा हो। हिंदुस्तान में 70वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं इस बारे में कुछ बताइए। I would like to wish everybody a very happy Republic Day 70th and inshallah very soon we are going to complete 100 years. So I wish all the communities, all the religion to join together and celebrate this Republic Day and also we would like to stand all together in one platform and see the progress for the India under the leadership of Mr. Modi, BJP, for the coming election. So kindly support him also. He is doing very good. Happy Republic Day to all. Thank you so much. आप कितने साल से सोसाइटी में रह रहे हैं? 12-15 साल तो हो गए। मतलब 12-15 साल से आप लोग हमेशा साथ में ही गणतंत्र दिवस मनाते हैं? एवरी ईयर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं सोसाइटी में, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, होली, दिवाली, ईद, न्यू ईयर, रमजान के रोजे, सब मिलकर यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं, तो काफ़ी यूनिटी है सोसाइटी में, हिंदू मुस्लिम कैथलिक सब मिलकर सारे फंक्शंस सेलिब्रेट करते हैं। आज 70वां गणतंत्र दिवस है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? आज हमारी जैसे कि देखा जा रहा है यहाँ पे ये अपनी सोसाइटी में, वैसे ही हम चाहते हैं कि पूरा इंडिया में रहे, हमारे यहाँ पे जैसे कोई चीज़ की भेदभाव नहीं है, जो अपने इंडिया को बहुत चीज़ की ज़रूरत है ये चीज़ की।
तो हम चाहते हैं कि ऐसे ही पूरे देश में अमन और अमन का ये रहे, झंडा फैलाए। अब 26 जनवरी 70वां स्वतंत्रता दिवस है आज, तो यही चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी इतनी आयोजन करती है, वैसे ही इंडिया में नए नए आयोजन आते रहे। ऐसे इस सोसाइटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सोसाइटी के बारे में जैसे कि पीस इतना है ये सोसाइटी में, अमन है, शांति है, हम लोग हिंदू मुस्लिम सब एक जैसे हैं, सिख इधर सब दिखेंगे आपको, सब हम लोग एक साथ जैसे ही रहते हैं, हमारा एक घर जैसा है ये सोसाइटी। यहाँ पे हर त्यौहार हम मिलजुल के ही मनाते हैं, चाहे वो ईद हो या गणेश चतुर्थी हो या फिर अपनी कोई भी त्यौहार हो, सब साथ में मिलाते हैं। ये जो 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं हम लोग गणतंत्र दिवस की, तो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं हम? सबसे पहले तो मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि हैप्पी रिपब्लिक डे। जो 70 इयर्स कंप्लीट हो गए हमारी आज़ादी को, तो ये बहुत बड़ा, लोगों ने इसके पीछे सब कुछ खोया है, अपने परिवार को खोया है, तो इसलिए इसको जितना हो सके अच्छे से मनाना चाहिए। हम भी हमारी सोसाइटी में इसको बहुत अच्छे से मनाते हैं, हमारी बिल्डिंग में सारे जो लोग हैं सब मिक्स होके, हिंदू है, मुस्लिम्स है, सारी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी है, सारे लोग मिलके हम लोग इसको बहुत अच्छे से मनाते हैं। और मैं सोचता हूँ कि इस चीज़ को हर कोई सेलिब्रेट करना चाहिए अच्छे से। जो इस देश की जनता है जहाँ हम रहते हैं, तो यहाँ की जनता के लिए आपके क्या संदेश? जनता के लिए तो यही संदेश है कि जनता अगर एक दूसरे के साथ मिल के रहे, झगड़े अगर भूल जाएं, तो मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। बस जनता के लिए यही संदेश है कि सब अपने भाई हैं, मिल के लड़े, जैसे आज़ादी हमने मिल के लड़े, अभी कम से कम मिल के साथ रहे बस अच्छे से, यही कह रहे हैं। गणतंत्र दिवस आप लोगों ने मनाया है सोसाइटी में, इसके बारे में कुछ बताइए। हमारी सोसाइटी वैभव पैलेस हर साल गणतंत्र दिवस मनाती है, इसमें सारी फैमिली, बच्चे इस इवेंट का खुशी से आनंद लेते हैं और सबको अच्छा लगता है इकट्ठा आके ये सब एंजॉय करने के लिए। और हम लोग ये ऐसे स्वतंत्र दिन हमेशा मनाते रहेंगे और हमारे बच्चे लोग को भी सिखाएंगे कि ये अपनी एक सभ्यता है जो हमेशा चलनी चाहिए। बाकी इस देश की जनता के लिए आपका क्या संदेश? जनता को एक ही है कि मिलजुल कर रहिए, किसी के बहकावे बातें में मत आइए, अपने दिमाग से और दिल से काम लीजिए, क्योंकि यहाँ पे अपना दिल दिमाग जो बोलता है वही करना है, बाकी लोगों की बातें सुन के कुछ नहीं करना। आज का जो रिपब्लिक डे है उसके बारे में क्या कहना चाहते हो? मुझे खुशी है बहुत कि आज के दिन हमारे देश का कानून लागू हुआ था और अच्छी बात है, अच्छे से हमारी सोसाइटी में मनाया लोगों ने, आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा और ऐसे ही चलता रहे। इस देश की जनता के लिए आपका क्या संदेश? जनता के लिए तो यही कहना चाहूँगा कि नेताओं की मत सुने, दिल की सुने, हिंदुस्तान एक है, एक रहेगा, अब बंटवारा नहीं होने देंगे। तो देखा आपने कि किस तरह से इस वैभव पैलेस सोसाइटी में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी ने मिलकर इस देश का महापर्व गणतंत्र दिवस मनाया। आज हम इस देश का 70वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और इस देश में जितनी भी सोसाइटियां हैं लगभग ऐसी ही हैं जहां पर हर धर्मों के लोग रहते हैं। काश ये बात हमारे नज़दीकी मुल्क, हमारे पारिवारिक मुल्क, हमारे पड़ोसी मुल्क समझ पाते और भारत की ही तरह एकता बनाए रखते पाकिस्तान में भी, लेकिन नहीं, पाकिस्तान को तो फुर्सत नहीं है लड़ाई झगड़ा करने में और आतंकवाद फैलाने में। काश वो हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान की ऐसी सोसाइटियों से कुछ सबक लेते, कुछ सीखते और ये जानने की कोशिश करते कि अमन, भाईचारा और इंसानियत क्या होती है। मैं अरुण कमल, मुंबई, इंडिया ब्यूरो। अभी तक आप देख रहे थे मुंबई की स्पेशल रिपोर्ट। इंडिया ब्यूरो में नई नई खास खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे और हाँ, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।